बेनीपट्टी थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर तेउत पंचायत के अदवारी गांव में दो अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 676 बोतल नेपाली देसी शराब व पिस्टल बरामद की है। शराब व पिस्टल के अलावा चोरी की एक सुपर स्प्लेंडर नामक बाइक व दो मोबाइल भी जब्त की गई है। वहीं दोनों ही जगहों पर की गई छापेमारी में दो तस्करों को भी दबोचा गया है। वहीं एक तस्कर मौके का फायदा उठाकर भाग निकलने में सफल रहा। गौरतलब है कि एक ही गांव में रविवार की अहले सुबह तकरीबन 4 बजे छापेमारी किए जाने से लोगों में हड़कंप मच गया। दोनों तस्करों की पहचान अदवारी गांव निवासी राम उद्गार यादव व उसी गांव के अभिषेक कुमार शाह के रूप में की गई है। वहीं अभिषेक के पिता ओम शाह फरार हो गए। इस बाबत बेनीपट्टी थाना परिसर में पत्रकारों को जानकारी देते हुए SHO रविंद्र प्रसाद ने बताया, गुप्त सूचना मिली थी कि अदवारी गांव में दो जगहों पर बड़े पैमाने पर शराब की तस्करी की जा रही है। सूचना के आलोक में मेरे साथ ASI देव कुमार शर्मा व अन्य जवान दलबल के साथ अदवारी पश्चिमी टोल स्थित राम उद्गार यादव के घर पहुंच छापेमारी की गई, जहां छापेमारी के क्रम में एक कमरे में दो बोरी में रखे 300 बोतल अर्थात 90 लीटर नेपाली देसी शराब, 1,00,000 रुपए नगद और एक ऑटोमेटिक पिस्टल, चोरी की एक सुपर स्प्लेंडर बाइक और दो मोबाइल बरामद की गई। वही मौके से ही तस्कर राम उद्गार यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद इसी गांव में दूसरे जगह ओम शाह के घर छापेमारी की गई, जहां तलाशी के दौरान 4 बोरे में रखे 376 नेपाली देसी शराब बरामद की गई। पुलिस के आते देख एक तस्कर ओम शाह भाग निकलने में सफल रहा, लेकिन दूसरे तस्कर उसके पुत्र अभिषेक कुमार शाह धर दबोचे गए, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस तरह दोनों जगहों पर की गई छापेमारी में कुल 676 बोतल नेपाली देसी शराब के साथ अन्य सामान भी बरामद किए गए, जिनका उपयोग तस्करी के कार्यों में करता था। SHO ने कहा कि पकड़े गए तस्करों के खिलाफ मद उत्पाद निषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर दोनों आरोपित को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और तीसरे फरार तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अभियान शुरू कर चुकी है। मौके पर सुरेश पासवान, पवन कुमार व शेखर पासवान सहित अन्य पुलिस कर्मी भी मौजूद थे। हथियार की बरामदगी कहां से हुई है और हथियार के साथ किन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है? गुप्त सूचना के आधार पर ग्राम अधवारी में राम उद्गार यादव के घर पर छापेमारी की गई, तो उनके घर से एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 1,00,000 रुपया और 90 लीटर शराब बरामद हुआ, एक बाइक सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर रगड़ा हुआ है, चोरी की बाइक है और वो भी फेक, और दूसरे के घर में ओम शाह के घर में रेड किया गया, उनके घर से 112 लीटर शराब बरामद हुआ और उनके बेटा अभिषेक को पकड़ा गया और ओम शाह भाग गया। क्या आपको ये नहीं लगता कि अब जो शराब कारोबारी हैं वो हथियार के बल पर शराब की धंधा कर रहे हैं? एकदम हथियार के बल पर शराब का धंधा कर रहे हैं और पैसा पूरा लगा रहे हैं और जो भी पैसा कमाते हैं उसमें लगा रहे हैं और धंधा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो सर रुपया बरामद हुआ है, ये कहाँ से बरामद हुआ? ये राम उद्गार यादव। कितना है? 1,00,000 रुपये।